तो आज का हमारा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वीडियो है। जैसे कि मैंने कई सारी वीडियोज़ में अपनी में बताया है कि हम अपने चैनल पर प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। उस प्रोग्राम का नाम है सब्सक्राइबर टू बिलियंस। इस प्रोग्राम के तहत आपको जितना हो सके इस चैनल पर सब्सक्राइबर रेट बढ़ाना है। तो आपको वीडियो शेयर करना है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक तो करें ही, लेकिन शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो हमारी वीडियो का आज का टाइटल है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो योद्धा जिसने कभी भी, जो जंग हुई है उसमें कभी भी हार नहीं मारी मानी, मतलब है ना, हार उसे हुई ही नहीं है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे, आखिर क्या है खालिद बिन वलीद, है ना। तो जान लेते हैं इसके बारे में और आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। हमारी स्टार्ट हो गई। दोस्तों, आज के मॉडर्न दौर के नौजवानों में तारीख इस्लाम में दिलचस्पी ना के बराबर है। इस नई नस्ल को इस्लाम की तारीख पढ़ने में बोरियत महसूस होती है। हालांकि हर दौर की नस्लों को अपने इतिहास को पढ़ना निहायत ही जरूरी होता है ताकि वो अपने तारीखी अजीम लोगों के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें और आने वाली नस्लों के लिए अपना और अपने दीन का नाम रकम कर सकें। मगर आज बहुत अफसोस होता है कि जिस दौर में दुश्मन मुसलमानों के इतिहास को बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं, आज उसी दौर में मुसलमान गहरी नींद में सोया हुआ है और जब जागता है तो हाथ में मोबाइल, स्क्रीन पर टिकटॉक और दिमाग में मुजरे चल रहे होते हैं। लोग सोचते हैं कि हम टाइम पास कर रहे हैं, मगर ये टाइम पास नहीं, ये टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसे मुस्लिम सिपाही सालार के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी बहादुरी और पैंतरेबाज की दाद गैर मुस्लिम तक दिया करते थे, जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लकब दिया था, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सैफुल्लाह, इनका जन्म मक्का में सन 592 ईस्वी में हुआ था। इनके वालिद, जिनका नाम वलीद था, मक्का के नामवर और मालदार शख्सियतों में से एक थे। अल्लाह ताला ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को मक्का के मुशरिकों में से उठाकर रोमन और पर्शियन एम्पायर पर ऐसे दे मारा कि दोनों सल्तनतें इनके कदमों तले आ गिरी। जब नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में नबुवत का ऐलान किया था तब ये काफिर थे और ऐलान नबुवत के 19 साल तक ये काफिर ही रहे। ये इस्लाम और मुसलमानों के बड़े कट्टर दुश्मन थे, हर वक्त इस्लाम को मिटाने की साजिशों में लगे रहते थे। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान ही निराली है, वो जिसे चाहे हिदायत दे दे। मुसलमानों और काफिरों के बीच जब जंगे हुआ करती थी तो अक्सर जंगों में काफिरों की तरफ से खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही फौज की सिपाही सालारी करते थे। आपने बारहा बुखारी मुस्लिम की वो हदीस तो जरूर सुनी होगी कि गजवाए ओहद में मुसलमान जीती हुई जंग हार गए थे क्योंकि नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुछ सहाबाओं को पहाड़ी पर पहरेदारी के लिए भेजा था। मगर जब उन सहाबाओं को ऐसा लगा कि हम जंग जीत गए हैं तब उनमें से कुछ सहाबा पहाड़ी से नीचे उतर आए थे। इसी का फायदा उठाकर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमानों पर पहाड़ी के रास्ते से फिर से हमला कर दिया, जिससे मुसलमानों को संभलने तक का मौका ना मिला और मुसलमान अपने हाथों ही जंग हार गए। इसी जंग में प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चार दांत मुबारक भी शहीद हुए थे। ये खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वजह से ही हुए थे, मगर वो उस वक्त काफिर थे और इस जंग के मौके पर नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनके लिए बद्दुआ भी है कि अल्लाह ऐसी कौम को कैसे हिदायत देगा जिन्होंने अपने नबी का चेहरा खून से रंग दिया हो। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को कुछ और ही मंजूर था। फतेह मक्का के बाद खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़ी परेशानी में थे और इनकी परेशानी की वजह थी इस्लाम की हर रोज बढ़ती हुई ताकत। वो ये सोचते रहते कि जब भी काफिरों ने मुसलमानों को ललकारा है तब हमेशा काफिरों को अपने बेहतरीन जंगी हथियारों के बावजूद मुंह की खानी पड़ी है। कभी कभी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोचते कि क्या मुसलमानों के साथ कोई गैबी ताकत मौजूद है और क्या वाकई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं? आप इसी सोच में डूबे रहते तभी उनके बड़े भाई का खत उनको मिला जिसमें लिखा था कि ए खालिद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में मुझसे सवाल किया है कि खालिद कहाँ है
मैं चाहता हूँ कि आप इस अंधेरी दुनिया से बाहर निकलकर इस्लाम की रोशनी में आ जाओ। इस खत का खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर ऐसा रोब पड़ा कि वो फौरन मक्का आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर इस्लाम कबूल कर लिया। सही बुखारी की एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमन अम्पायर की तरफ मुल्क शाम में, जो आज का सीरिया है, अपना एक एलची रवाना किया था एक खत के साथ। उस एलची को कत्ल कर दिया गया और उस वक्त एलची का कत्ल ऐलाने जंग हुआ करता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों का एक लश्कर रवाना किया जैद बिन हारसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कयादत में, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे भी थे। दोस्तों, ये वो वाहिद सहाबी है जिनका नाम कुरान पाक में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जैद शहीद हो जाए तो जाफर को अपना अमीर बना लेना, और अगर जाफर शहीद हो जाए तो फिर अब्दुल्ला बिन रवा को अपना अमीर बना लेना, अगर वो भी शहीद हो जाए तो फिर तुम अपनी मर्जी से किसी को भी अमीर बना लेना। दोस्तों, जब ये तीनों सहाबी शहीद हो गए तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौज की कमान अपने हाथों में संभाली और दुश्मनों के दांत खट्टे कर डाले। उनकी बहादुरी को देख दुश्मन भी हैरानोकुन हो गए थे। ये जंग खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सिपह सालारी में मुसलमानों ने जीत ली थी और फिर ये जंग गजवाए मूता के नाम से मशहूर हुई। इस जंग में खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे जोश के साथ लड़े, ऐसी बहादुरी के साथ लड़े कि दुश्मनों को धूल चटा डाली। इस जंग में 9 तलवारें आपके हाथों से टूटी। 9 तलवारें, दोस्तों ये कोई आसान काम नहीं है। एक तलवार भी किसी मर्द के हाथ से टूट जाए तो क्या कहने। दुश्मनों की सफों में घुस कर ऐसे लड़ते कि दुश्मनों के सरों की लाइनें लग जाती। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक यादगार जंग है जंगे यमामा, जो मुनकर खत्मे नबूवत मुसलमा कज़्ज़ाब के साथ आपने लड़ी। मुसलमानों के लिए ये बड़ी आजमाइश वाली जंग थी। इस बार मुसलमानों का पाला बड़ी जंगजू कौम से पड़ा था। 40 से 60 हजार तक का लश्कर था मुसलमा कज़्ज़ाब के पास, मगर शेर को कभी गीदड़ों की ताकत से डर नहीं लगा करता। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सिपह सालारी में जंग लड़ी गई और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैतरे बाजी ने मुसलमा कज़्ज़ाब की फौज में ऐसा खौफ पैदा किया कि वो पीठ दिखाकर बुजदिलों की तरह अपने महलों में जाकर छुपने लगे। मुसलमा कज़्ज़ाब मारा गया और अल्लाह ने मुसलमानों को फतेह से नवाजा। हदीसों में आता है कि जंगे यमामा मुसलमान हारने वाले थे क्योंकि दुश्मनों ने एक साथ 700 हुफाज को शहीद कर डाला था, मगर अचानक ही खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अकेले ही दुश्मनों के काफिलों में घुसकर दुश्मनों को मारने लगे, जिससे दुश्मनों की फौज खौफ खाकर पीछे हटती चली गई। जंगे यरमूक का जब मौका आया, जो रोमन अम्पायर के खिलाफ जंग थी, उस जंग में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए थे। तब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया। इस वजह से नहीं कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए थे, बल्कि इस वजह से कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुश्मनों के खिलाफ मुसलमानों को हर जंग में फतह दिलाते आ रहे थे। इस वजह से मुसलमान ये सोचने लगे कि बिना खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुसलमान कोई जंग नहीं जीत सकते। तो इस सोच को मिटाने के लिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया और इनकी जगह अबू उबैदा इब्ने जरा को आर्मी चीफ बनाकर जंग में भेज दिया। मुसलमानों में बातें शुरू हो गई कि ये उमर ने क्या किया, अब मुसलमान इतनी बड़ी फौज का सामना कैसे करेगा, मुसलमान हार गए तो। मगर मुसलमानों ने अल्लाह की मदद से जंगे यरमूक फतह कर ली। फिर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में खुतबा देने के लिए खड़े हुए और बोले कि खुदा के लिए मैं तुम में से यही चीज तो खत्म करना चाहता था कि मुसलमानों की फतह खालिद की वजह से नहीं बल्कि रब्बे खालिद की वजह से हो रही है। कल को खालिद नहीं रहेगा तो क्या तुम समझते हो इस्लाम खत्म हो जाएगा, इस्लाम को तो हमेशा रहना है।
खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी में लगभग 200 जंगे लड़ी हैं और वह दुनिया के पहले आर्मी चीफ थे जिन्होंने एक भी जंग नहीं हारी थी। यहाँ तक कि काफिरों की तरफ से लड़ी गई जंगे उहुद में भी उनको फतह हासिल हुई थी। इनकी परवरिश तलवार के साए में हुई थी। इन्होंने इस्लाम अपनाने के बाद 7-8 साल तक काफिरों से लगातार जंगे लड़ी और इस्लाम के लिए नए नए मुल्क हासिल करते गए। अपने आखिरी वक्त में ये बीमारी की वजह से बिस्तर पर आ गए थे। सहाबा इकराम इनके आसपास खड़े हैं। खालिद इब्ने वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ारों कतार रो रहे हैं। सहाबा पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं, तो आप फरमाते हैं कि मेरे जिस्म पर ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां तलवारों नेजों के निशान ना हो। मैंने इतनी जंगे लड़ी और आज मैं एक बूढ़े ऊँट की तरह बिस्तर पर मर रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जंग में शहीद का दर्जा हासिल करूँ, मगर ऐसा ना हुआ। सहाबा फरमाते हैं कि ए खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के नबी ने आपको अल्लाह की तलवार का लकब दिया है। अगर आप जंग में मरते तो लोग कहते कि देखो अल्लाह की तलवार टूट गई। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शेर है कि मौत का मैदान जंग से कोई ताल्लुक नहीं, अगर जंग में मौत आती तो मुझे आती, जिसने सैकड़ों जंगे लड़ी है। तो भाई साहब, हम लोगों ने जान लिया उस योद्धा के बारे में जिसने मरते दम तक लड़ाई लड़ी लेकिन हारा नहीं। आज की इस वीडियो से हमने बहुत कुछ जाना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से करें। कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं सोशल मीडिया के, तो वहाँ जाकर आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम, वहाँ आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक और नई और बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।